आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 13 से 21 वचन से 5 रोटी और 2 मछली की घटना का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़कर किसी सुनसान जगह पर एकांत में जा रहे थे। जब लोगों ने यह सुना तो अलग अलग नगरों से भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा तो उन पर तरस खाकर उनके बीमारों को चंगा किया और वे सारे लोग शाम तक प्रभु यीशु मसीह के पास ही रहे। लेकिन जब दिन ढलने लगा तो उसके चेलों ने पास आकर कहा कि हे प्रभु, रात हो रही है, लोगों को विदा करें ताकि वे जाकर अपने लिए भोजन खरीद सके। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम ही इन्हें खाने को भोजन दो। तब फिलिपुस ने प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, हम इनके लिए भोजन कहाँ से मोल लाएं? इनके लिए तो 200 दिनार की रोटी भी पर्याप्त नहीं हो सकेगी। तब प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि पतरस का भाई अंद्रियास एक लड़के के बारे में प्रभु यीशु मसीह को बताता है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, जिसे वह प्रभु के पास लाता है। यहाँ पर ध्यान दे प्रियो कि हजारों की संख्या में लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते थे, क्योंकि वो सब प्रभु यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता मानते थे और उन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कितने अद्भुत अद्भुत काम करता है। वे प्रभु के वचनों को सुनने और उसके द्वारा चंगाई प्राप्त करने के लिए तथा उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाते थे। ऐसे ही इस दिन भी हुआ, लोग हजारों की संख्या में वहां पर थे जिनमें प्रभु यीशु मसीह ने कई आश्चर्यकर्म भी किए थे। लेकिन जब संध्या होने लगी तो हम देखते हैं कि चेले चिंतित होने लगे। वह चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं लोगों से कहे कि शाम हो गई है, अब आसपास की बस्तियों में जाकर वह सारे लोग अपने खाने का प्रबंध कर लें। चेले काफी समय से प्रभु के साथ थे लेकिन फिर भी वे प्रभु को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाए। इसलिए तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम इतने सारे लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कहाँ से करेंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बस दुष्ट आत्माओं को निकालते, बीमारों को चंगा होते और मुर्दों को जी उठते ही देखा था और उन्हें लगा कि प्रभु बस यही सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए वो इतनी सारी भीड़ को देखकर घबरा गए कि वो इतने सारे लोगों के लिए खाने का प्रबंध कैसे करेंगे। प्रियो, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी प्रभु के साथ चलते तो हैं लेकिन कभी कभी हमें यह पता ही नहीं होता कि प्रभु क्या क्या कर सकता है। एक और बात हम ध्यान दे प्रियो कि उन हजारों लोगों की भीड़ में सिर्फ एक ही बालक था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। प्रियो, हो सकता है कि यह उस बच्चे का अकेले का भोजन हो जिसे उसके परिवार ने उसे बांध कर दिया हो। हम कल्पना करके देखें कि उन हजारों लोगों ने और भी लोगों के पास कुछ न कुछ भोजन तो जरूर होगा, लेकिन देने का दिल सिर्फ इस बालक के ही पास था। इसने अपनी परवाह ना करते हुए अपने भोजन को प्रभु के पास लाकर दे दिया। इन 5 रोटी और 2 मछलियों में कितने लोग भोजन खा सकते थे? ज्यादा से ज्यादा 10 लोग। तो बालक यह सोच सकता था कि मेरी 5 रोटी और 2 मछलियों से क्या होगा, लेकिन उस बालक ने ऐसा कुछ भी ना सोचते हुए अपनी रोटी और मछली को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 से भी अधिक लोगों को भोजन खिलाया। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग अपने जीवन में यह सोचने लगते हैं कि मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं है, मैं तो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर व्यक्ति हूँ, मैं किसी दूसरे की मदद नहीं कर सकता, या मेरे 10-20 रुपए से किसी को क्या फायदा होगा। लेकिन प्रियो, ध्यान रखें कि जरूरत में पड़े व्यक्ति की अगर आप 1 रुपए की भी मदद करते हो तो उसका प्रतिफल प्रभु आपको जरूर देगा। जैसे मैंने बताया कि वह बालक यह नहीं सोचता कि मेरी 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोग खा सकते हैं। ऐसी ही सोच आज के लोगों की होती है और वो किसी की भी मदद करने से पीछे हट जाते हैं।
प्रियो, आप कितना देते हैं यह महत्व नहीं रखता, आप किस मन से दे रहे हैं यह महत्व रखता है। उस बालक का दिल उदार था, दया से भरा हुआ था, मदद करने की चाहत उसके अंदर थी, इसलिए उसने अपनी चिंता ना करते हुए अपने भोजन को प्रभु के हाथ में दे दिया। वैसे ही प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि आपका हृदय भी उस बालक के समान उदार, दया तथा कृपा से भरा हुआ हो। इसलिए प्रभु ने भी कहा है कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रियो, आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आपका हृदय बालकों के समान बने। तब आगे हम देखते हैं प्रियो कि जब वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु के दिए गए तो प्रभु ने उसे स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया और अपने चेलों को दिया ताकि वह लोगों को बांट सके। तब हम देखते हैं प्रियो कि चेले भी उन रोटियों और मछलियों को बांटना शुरू करते हैं और बाइबल हमें बताती है कि सब लोग खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरियां बच भी गई। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो रोटियाँ और मछलियाँ तभी बड़ी जब उन्हें प्रभु यीशु के हाथों में सौंपा गया। यहाँ हमें आशीषों का एक सिद्धांत देखने को मिलता है कि यदि हम अपने घर में बरकत चाहते हैं तो हमें अपने घर की आमदनी और सारी वस्तुओं को सबसे पहले प्रभु के हाथ में सौंपना है। प्रियो, जब भी आपके घर में पैसा आए, चाहे वो महीने की तनख्वाह हो या आपके व्यवसाय का प्रॉफिट हो, खर्च करने से पहले आपको उसे प्रभु के हाथ में सौंपना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। इसके साथ ही प्रियो, आपको प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु इस धन पर आपकी आशीष बनी रहे ताकि यह फिजूल और व्यर्थ खर्च ना हो। यही नहीं प्रियो, जो कुछ भी आप कमाते हैं उसमें से सबसे पहला भाग आपको प्रभु को ही देना है। तब आप महसूस करेंगे कि प्रभु आपके उस थोड़े से धन पर कितनी आशीष देता है। आपका वह थोड़ा सा धन आपके लिए बहुत हो जाएगा। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप ऐसा करेंगे तो जिस तरह से उन 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 से ज़्यादा लोग खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरी बच भी गई, वैसे ही प्रियो आपके घर का सारा प्रबंध हो जाएगा और आपके पास बचत ही होगी, कमी कभी नहीं होगी। प्रियो, आपके पास जो भी संसाधन है, इससे पहले कि आप उसका उपयोग करें, आपको उसे प्रभु के पास लाना है। यही बात हमें आज की इस घटना में सीखने को मिलता है। हमारा परमेश्वर भरपूरी का परमेश्वर है, उसके भंडार में किसी बात की कमी नहीं है। वह सबको बहुतायत से देता है, लेकिन वह यह देखता है कि हमारा हृदय कैसा है। आज हम देखते हैं कई लोग हैं जो हजारों लाखों रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में आर्थिक तंगी देखने को मिलती है। कई प्रकार की बीमारियाँ उनके परिवार के लोगों को घेरे हुए रहती है, जिनमें उनका ज्यादातर पैसा खर्च हो जाता है। उन लोगों को फालतू की चीजें खरीदने का शौक होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी आय और आय के स्रोत को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपते। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो महीने का 8, 10 या 15 हजार ही कमाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वह अपना धन सबसे पहले प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और प्रभु उन्हें बरकत देकर उन्हें किसी बात की घटी नहीं होने देता है। प्रियो, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, मायने यह रखता है कि आपका धन कितना आशीषित है। यदि आप इस वीडियो में दिए गए सिद्धांतों का पालन करते हैं तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी और आप प्रभु के आशीर्वाद को अपने जीवन में देख पाओगे। आशा करती हूँ प्रियो, आज का यह वीडियो आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।